हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, आई नो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, कुछ चीज़ों में बिज़ी थी मैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत छोटे छोटे कमेंट्स के ऊपर है, तो जल्दी जल्दी आपके कुछ कमेंट्स को मैं जो है उनके अंदर जो बातें आई हैं उनको क्लैरिफाई कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सब्सक्राइबर मेरे एक हैं जिन्होंने बोला है कि उन वो जर्नी में है और उनको मीन्स सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो सुसाइड करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, सुसाइड मतलब मुझे नहीं पता कि वो पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बस जस्ट एक कमेंट किया है कि उनको सुसाइड के थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो या सुसाइडल टेंडेंसीज हैं उनके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक इंसानी ज़िंदगी जो भगवान की नेमत है, मतलब आपको दिया हुआ गिफ्ट है, ठीक है, जिसको आपको रिस्पेक्ट करना है, ढंग से अच्छे से जी के आपको वापस अपनी लाइफ जर्नी को जो है बहुत अच्छे से निभा के, ठीक है, आपको आपको जो काम दिया गया है, आपकी सोल को जो काम दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नो डाउट मुसीबतें हम सबके जीवन में आती हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक टास्क दिया गया है, चाहे नॉर्मल सोल्स हैं चाहे ट्विन सोल्स हैं, कोई भी हैं, बट हर सोल का एक धरती पे आने का अपना एक पर्पज़ है, ठीक है। तो आप डिवाइन के द्वारा दिए हुए इतने प्यारे जीवन को और उनके द्वारा दिए हुए सोल के ऊपर जो आपको टास्क करना है अपना, उसको आप कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ऐसा सोच के, ठीक है। तो अपनी सोचने का तरीका बदलिए, अपनी मेंटेलिटी को बदलिए। अच्छा, इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि और लोगों के जीवन में भी झांक सकते हो, क्योंकि हम ही नहीं हैं जिनके जीवन में मुसीबतें, हमसे बड़ी बड़ी मुसीबतें बहुत से लोग फेस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। तो हमेशा ना दूसरे को देख के भी इंसान जी लेता है, तो आप कभी भी अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मत कर दो कि जीवन छोटा पड़ने लग जाए, ठीक है। तो कभी भी इतना इतना अपने दिमाग के अंदर इतना जगह मत दो उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को, ठीक है। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अध्यात्म भी ये कहता है कि अगर आप सुसाइड करते हो तो मतलब आपको और क्या रीज़न है कि क्यों नहीं सुसाइड करना चाहिए, तो उसका रीज़न ये है कि सुसाइड करने वाले की कभी भी मोक्ष नहीं होती है, उसकी आत्मा फिर भटकती रहती है, ठीक है। बिकॉज़ जब आप सुसाइड करते हो, मान लीजिए कि आपकी एज जो मतलब आप ऊपर से लिखवा के आए हो, ठीक है, आपका जो लाइफ स्पैन है मान लीजिए कि वो 80 ईयर्स का था, ठीक है, और आपने मान लीजिए कि 20-22 साल की एज में जो है आपने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपकी लाइफ से कई लोगों का लाइफ साइकिल जुड़ा हुआ था, ठीक है, सब कुछ, क्योंकि हम मानते हैं कि सब कुछ जो है वो डिवाइन प्लानिंग की है हमारी लाइफ में, ठीक है, डिवाइन का प्लान किया हुआ होता है, ठीक है। तो आप ये तो मानते हैं कि ये भी पहले से प्लान था कि आपकी लाइफ में कौन कौन लोग आके जुड़ेंगे, ठीक है, आपके आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन से लोगों की क्या क्या भूमिका होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को जब आपने बीच में ब्रेक कर दिया, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल को आपने ब्रेक किया, तो आपको लग रहा है कि यू आर टेकिंग जस्ट योर लाइफ, है ना, अपनी लाइफ, मतलब आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ, तो आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी ले रहे हो, लेकिन नहीं, आपको नहीं पता कि आपने कितने लोगों के लाइफ साइकिल को जो है छेड़ दिया एक स्टेप उठा के, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि जो मैंने बोला कि मान लीजिए आपकी लाइफ स्पैन जो है वहाँ प्री डिसाइडेड था जो 80 ईयर्स का, वो 20 ईयर्स में ही आपने मान लीजिए अपनी जान ले ली, या 22 ईयर्स में ही आपने अपनी जान ले ली, तो अब जो वो जो बचे हुए जो आपके जिसको कहेंगे, सोच लीजिए आप खुद की, जैसे मान लीजिए 58 साल हैं, जो भी 60 साल हैं जो बचे हुए आपकी लाइफ के, तो उतने में आपकी मोक्ष नहीं होने वाली है। देखिए वहाँ पे लिखा जा चुका है कि ये आपको ये वाली इसके बाद ही आपको अगला जन्म मिलेगा, तो वो जो जितने भी साल बचे, ठीक है, 50-60 साल जो भी बचे, उन उस टाइम पे आपकी आत्मा जो है ना वो लटकी रहेगी, मीन्स वो भटकती रहेगी, ठीक है, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको कहीं मोक्ष नहीं होगा, ठीक है। तो वो आत्मा जो है वो भटकती रहेगी, और कॉन्स्टेंटली आप देखोगे कि आप उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहोगे जो लोग आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब आपकी डेथ हो चुकी है तो उन्हें नहीं पता, लेकिन आप उनको अच्छी तरह देख सकते हो, तो आपको ये पता लगेगा कि आपकी सुसाइड से उनकी लाइफ कितनी अफेक्ट हुई है, ठीक है। तो आप उनको चाहते हुए भी
ठीक है, आप उस कष्ट में रहोगे, आपके अपने कष्ट में है ये देख के आप कष्ट में रहोगे, ठीक है। तो इसलिए भी सुसाइड नहीं करना है, ठीक है। आप उनको छू नहीं सकते, आप उनको अपनी कंडीशन बता नहीं सकते, आप उनको अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा सकते, बट स्टिल यू आर देयर और आप देख रहे हो कि वो किस तरह से आपके जाने के बाद पेन में है, किस तरह की तकलीफ़ में हैं, किस तरह की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में, या वो आपको कितना याद करते हैं। आप वहीं पे प्रेजेंट होते हो लेकिन फिर भी आपकी प्रेजेंस को वो फील नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो है सुसाइड बंदे को जो है अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया है क्लियर। तो जिनके भी ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आज से ही मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ठीक है, जो लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुसाइड के पॉइंट पर पहुँच कर जिनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, और बहुत से लोगों की तो स्पिरिचुअल जर्नी ही वहीं से स्टार्ट होती है एकदम से। वो जब सब तरफ से हार चुके होते हैं तो उनके उनकी अचानक से अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, और वो स्पिरिचुअल पर्सन में पूरी तरह से जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो कई बार आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी होता है ये, ठीक है। तो जल्दीबाजी में कभी भी स्टेप नहीं उठाना, कभी भी अपनी जान नहीं लेने की कोशिश करनी। नो डाउट कितनी भी बुरी कंडीशंस हो, कितने हम सबके जीवन में आती हैं अलग अलग तरह की कंडीशंस, लेकिन आपको संभल के चलना है, आपको अपने जीवन को प्यार करना है। दूसरे को आप तभी प्यार कर पाओगे जब आप खुद को प्यार करोगे, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से आपको नहीं सोचना है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आया है कि एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि आपने एक वीडियो पे उनका कमेंट आया कि आपने जो कुछ भी बताया वो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आप उसको या तो दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, आके। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई दूसरा, क्योंकि उन्होंने दो तीन कमेंट्स इस टाइप के किए हैं कि आपने ये बात बताई वो भी समझ नहीं आई, आपने ये बात बताई वो भी समझ। तो नो डाउट आप, हम सब यहाँ पे एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, और ये भी मान के चलिए कि ये भी डिवाइन एंड एंजल्स डिसाइड करते हैं कि हमें किससे गाइडेंस लेनी है या मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए नहीं हूँ, तो आप जाके दूसरों को सर्च कर सकते हैं, और दूसरे बहुत अच्छे अच्छे और भी चैनल्स हैं इसी टॉपिक के ऊपर, ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिए और आपको वहाँ पे अपने सवालों के नो डाउट जरूर जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, उसमें कोई हार्ड फीलिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है ना देने की। आप आपको अगर नहीं समझ आ रहा ना, यू जस्ट आप उस वीडियो को स्किप करिए और जाके दूसरा कोई वीडियो देखिए, ठीक है। हम सबके साथ ये सब होता है, तो टेक इट ईजी। उस पर आप दो दो तीन तीन कमेंट करोगे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, मेरा जो समझाने का तरीका है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने दो तीन कमेंट्स कर दिए तो मुझे लगा मैं बता दूँ, अदरवाइज तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये बात तो आपको खुद ही समझ लेनी चाहिए कि ये नहीं तो कोई और वीडियो समझ आ जाएगा, किसी दूसरे पे चल जाओ, ठीक है। ये हो गया। फिर है नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप बार बार जो है कांटेक्ट में आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके आपके जो, चलिए इस पे मैं अलग से एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगी, ठीक है, ये एक लंबा टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। फिर एक छोटी सी बात आपको और बता देती हूँ कि अभी ये टाइम जो चल रहा है 2020, ठीक है, आधा निकल चुका है और आधा अब जो बचा है उसमें जितनी भी डीएफ्स हैं, मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये जो अब क्योंकि बहुत कम्प्लीटली ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, ठीक है, तो आप बहुत सारा काम इस टाइम पे कर सकते हो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन चेजिंग योर डीएम, ठीक है। अपना टाइम को डीएम को चेज करने में मत बिताइए, उसको तो छोड़ दीजिए, आप उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए, डीएम को भी और उस रिलेशनशिप को भी। भगवान जी ने दिया है वही जाने वही करेंगे जो करना है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। अगर आप जल्दी मचाएंगे तो भी कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और जब तक आप कम्प्लीटली हील्ड हो नहीं जाते हो, और जब तक आप कम्प्लीटली उन अपनी चीज़ों से बाहर निकल नहीं आते हो, उनको सॉल्व नहीं कर लेते हो, तब तक वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। सो डोंट ट्राई ऑन इट, ठीक है। आप क्या करो, जस्ट आप जाओ, और बहुत सारी डीएफ्स का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कि हम सब चीज़ों पे तो ध्यान दे देते हैं, सब तरह की हीलिंग हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगा इस बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है कि अपने फाइनेंसिस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आप जब तक फाइनेंशियली किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो ना, तो फिर आप को डिपेंडेंसी से कैसे निकल पाओगे, वो जो कि एक मेजर ब्लॉकेज होता है, ठीक है, सबसे बड़ा इशू होता है,
तो वर्क ऑन इट। मुझे लगा ये मैसेज मुझे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2020 जो है वो इतना प्रीशियस टाइम है सबके लिए, डिवाइन सोल्स जितनी भी हैं उनके लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, आधा साल पहले ही निकल चुका है, अब ये जून एंडिंग चल रही है, ठीक है। सो जुलाई में हमारा जो है यही रहना चाहिए टारगेट जुलाई से, कि हम जो ये है बचे हुए 6 महीने वो कम्प्लीटली खुद के ऊपर, ठीक है, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देंगे। डीएम क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ वो जाने, डिवाइन उसको भी गाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिवाइन हमारे ऊपर मेहरबान है, उनके ऊपर भी उतनी ही उनकी मेहरबानी है, ठीक है। ये अलग बात है कि हमेशा इस रिलेशन के अंदर एक पक्ष जो है वो अगर हम बाहरी तौर पर देखें तो कमज़ोर नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होता है, या तो यह समझने को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी बराबर गाइडेंस मिल रही है, आपके काउंटर पार्ट को भी, तो वो चीज़ों की बर्डन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको कोई गाइडेंस दो या आप उनको कोई हिंट्स दो। यू जस्ट डू योर ओन वर्क। आपको बहुत ज़रूरत है सभी डीएफ्स को फाइनेंसेस पे वर्क करने की, तो आप वो करने पे अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच।